Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today's video is going to be about those top highly recommended best 2021 products by me, जो मैंने पिछले पूरे साल में try किए और ना ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए, but I also think they are very very affordable. तो अगर आपने इन्हें try नहीं किया है, you are definitely missing out on something really good. That's why मुझे लगा कि मुझे ये video करना चाहिए, because just like how we ended the last year with the worst of 2021, let's start this year by talking about the best of 2021 because I really do not want you guys to miss out on some great stuff. मेरे पास तकरीबन यहाँ पे 14 से 15 प्रोडक्ट्स है, इसलिए सबके बारे में बहुत जल्दी जल्दी ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन इनमें से सारे तो नहीं, पर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने इन डेप्थ डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू वीडियोस भी किए हुए हैं, तो अगर आप वो जाके देखना चाहते हैं आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. पर आज के वीडियो से भी आपकी मैक्सिमम कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी. मैं आपको सारे रीजन्स बताऊंगी कि आपको इन प्रोडक्ट्स को क्यों ट्राई करना चाहिए. तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू गेट बोर्ड. सो विदाउट एनी फर्दर डू Let's dive right into it. So the very first product that we have with us is by the brand Requal. This is their sunscreen, one of the most loved sunscreens. Iska pura naam hai Oxybenzone and OMC free sunscreen by the brand Requal. Sabse pehle to jo main reason hota hai uski wajah se mujhe kafi pasand hai ye ki ye kafi zyada comfortable to wear hai even in the weather of summer. Agar aapki skin acne prone hai, sensitive hai, aapko breakouts hone ka dar rehta hai aur isliye aap chipchipi sunscreens avoid karte hain, to ye wali aapko definitely pasand aayegi. Skin mein easily blend ho jati hai aur isme koi वाइट कास्ट भी नहीं है. ये भी काफी अफोर्डेबल है. इसका बेसिकली जो पूरा फील है इसको वेयर करने का और उसके बाद भी कई घंटों तक, ये काफी कंफर्टेबल रहती है आपकी स्किन पे. नाउ एक छोटी सी बात यहाँ पर, जैसे आप पढ़ सकते हैं कि इसका नाम है ऑक्सीबेंजोन एंड ओएमसी फ्री. व्हाट डज दैट मीन? ऑक्सीबेंजोन और ओएमसी कुछ केमिकल फिल्टर्स होते हैं जिनके यूजेज से एक सनस्क्रीन ज्यादा डीप पेनिट्रेट कर पाती है, बट एट द सेम टाइम कुछ केसेस में, हमेशा नहीं लेकिन कुछ केसेस में, कई बार कई लोगों की जिनकी स्किन सेंसिटिव हो उनको कुछ और भी तरह के एलर्जिक रिएक्शंस वो ट्रिगर कर सकती है, जैसे कि थोड़े बहुत आपके हार्मोनल इम्बैलेंस वो क्रिएट कर सकती है, या आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स द सन रेज उसको बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट हो सकते हैं, या फिर कोई कोई छोटे छोटे ऐसे कॉज कर सकती है आपको डैमेज जो आपकी स्किन के लिए लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है. तो इसलिए अगर आप हर एंगल से सेफ होना चाहते हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप हर एंगल से एक सेफ सनस्क्रीन चूज करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. The second one is a product that I started using just 2 months ago and इसके बाद से मैंने कोई और cleansing balm use नहीं किया है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है and surprisingly ये काफ़ी ज़्यादा budget friendly भी है. This is by the brand Plum और इसका पूरा नाम है Plum E-Luminance Simply Supple Cleansing Balm. तो आप में से बहुत लोग जो भले ही day-to-day basis पे makeup ना भी करते हो लेकिन अगर sunscreen लगाते हैं तो आप सब जानते हैं कि उसको शाम को breakdown करने के लिए सिर्फ soap face wash sufficient नहीं होता, तो हमें कई बार क्लेंजिंग बाम या माइसिलर वाटर ये सब यूज करना पड़ता है. अब कई बार क्लेंजिंग बार्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा थिक होते हैं टेक्सचर में, जिनको यूज़ करने से कई लोगों को इचिंग एक्सपीरियंस होती है या रेडनेस या फिर एक्ने और ब्रेकआउट्स होने का उनको डर रहता है. तो ऐसे में मुझे लगा इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिन है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ही मेकअप को बहुत अच्छे से मेल्ट कर देती है. तो ये अच्छे खासे मेकअप को भी ब्रेक डाउन कर सकता है और साथ में जो आप डे टू डे बेसिस पे सनस्क्रीन लगाते हैं उसको भी अच्छे से ये ब्रेक डाउन कर सकता है. तो अगर आपका मेकअप का यूजेज ज़्यादा है या डेली बेसिस पे आपको क्लेंजिंग बाम यूज़ करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ वेयरिंग सनस्क्रीन, तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ दोज हैवी एंड थिक क्लेंजिंग बाम्स दिस इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एक तो इसकी बिल्कुल बटर लाइक स्मूथ फिनिश है और ये लगाने में भी ईजी है, असर भी अच्छे से करता है और सबसे बड़ी बात ये आईज पे बर्निंग सेंसेशन क्रिएट नहीं करता. अक्सर जब हम अपना आई मेकअप रिमूव करते हैं तो बहुत सारे बाम्स जो होते हैं इस एरिया में हमें जलन होती है, आईज वॉटरी हो जाती हैं, इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और ये आपकी आईज को बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा. तो आई थिंक इट्स अ वेरी कंफर्टेबल, अफोर्डेबल एंड सुपर सुपर इफेक्टिव क्लेंजिंग बाम ऑप्शन. प्रोडक्ट नंबर 3 दैट यू मस्ट ट्राई इज अ विटामिन सी सेरम. दिस इज बाय द ब्रांड डर्मा एसेंशिया. डर्मा एसेंशिया विटामिन सी सेरम विद क्रोनोशेरडी एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड. इनकी पुरानी वाली पैकेजिंग मेरे पास है, इस पर उनकी परसेंटेज मेंशन नहीं है, लेकिन जब मैंने इस पर वीडियो किया था आप में से बहुत लोग इंटरेस्टेड थे, इसका परसेंटेज पूछ रहे थे, तो आई चेक विद द ब्रांड. इसमें 15% विटामिन सी है. नाउ अगर आपकी स्किन एक्टिव्स को लगाने के लिए बिल्कुल यूज टू नहीं है तो आपको इसको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, लेकिन अगर यूज टू है तो आप इसको ईजिली स्टार्ट
स्टार्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे भी, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव यूज़ किया है वो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है और वो काफ़ी ज़्यादा सेफ और स्टेबल डेरिवेटिव होता है विटामिन सी का। ये सीरम मुझे लगता है हर प्रॉब्लम पर काफ़ी ज़्यादा असरदार था, इससे मुझे कोई पर्जिंग की प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी, स्किन पे कोई भी बर्निंग सेंसेशन या रेडनेस इचिंग ऐसा कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा। टचवुड, स्किन पे बहुत ही माइल्ड और जेंटल था, लगाने में भी ईजी था और इसने लिटरली विजिबल डिफरेंस क्रिएट किया था मेरे स्किन पे। मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में और मैंने आप लोगों से भी जब आपका फीडबैक मांगा था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरे रिकमेंडेशन के बाद इसको यूज़ किया और वो बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से। ये ब्लेमिशेस पे भी काम करता है और ओवरऑल आपकी जो स्किन की अपीयरेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और रेडियंट भी बनाता है और साथ में ऐसा नहीं कि स्किन को ड्राई करता है, तो जब आप स्किन को टच करते हैं तो स्किन भी आपको काफ़ी बाउंसी फील होती है। तो द ओवरऑल इफेक्ट दैट दिस वन हैज नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बट द फाइनल रिजल्ट ऑल्सो दैट यू गेट आफ्टर यूजिंग इट इज रियली रियली कमेंडेबल। एंड दिस आई एम नॉट जस्ट शेयरिंग माई परस्पेक्टिव बट आई हैव हर्ड द सेम फ्रॉम अ लॉट ऑफ यू इज वेल। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप एक अच्छा सा विटामिन सी सीरम अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं। Product number 4 that I will highly recommend is by the brand Innisfree. This is their Innisfree Aloe Revital Soothing Gel. This is such a beautiful product, I tell you guys. जब भी मेरी स्किन कभी बहुत ज़्यादा एंग्री इरिटेटेड होती है कि हमने कुछ गलत लगा लिया और अब वो उस पर ट्रिगर हो गई है सेंसिटिविटी और वो किसी भी चीज़ से शांत नहीं हो रही है, तो जब भी कभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एंग्री मोड में आ जाती है मैं स्ट्रेट 3 दिन का ब्रेक लेती हूँ और मैं सिर्फ ये लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और दूसरे ही दिन पर मेरी स्किन, इनफैक्ट पहले ही दिन पर मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन और बेटर फील करने लगती है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही सुपर्ब हैं। नाउ जब मैं इस पर वीडियो कर रही थी, रिसर्च कर रही थी और इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे पढ़ रही थी, तो मैं देख रही थी इसमें बहुत सारे इमोलियंट्स और सॉल्वेंट्स वगैरह दिए हुए थे और एलोवेरा काफ़ी नीचे दिया था, तो मैंने इसके बारे में बात की भी थी। बट वन ऑफ अ वेरी स्वीट सब्सक्राइबर ऑफ माइन, मैं उनका जो स्क्रीन शॉट है वो स्क्रीन पर डाल दूंगी इस वीडियो के टाइम पर, उन्होंने जो इनिसफ्री का इंडिया का कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट है उनसे बात की यही चीज़ पूछने के लिए, तो वहाँ से उनको रिस्पॉन्स ये आया कि एज पर द चेंज नोटेशन द ब्रांड्स आर सपोज टू लिस्ट ऑल द सॉल्वेंट्स फर्स्ट और उसके बाद उन्होंने एलोवेरा जेल लिस्ट किया है। इसका ये मतलब नहीं कि एलोवेरा इसमें कम है, तो एज पर व्हाट शी रिप्लाइड टू दैट सब्सक्राइबर इज कि इसमें 93% प्योर एलोवेरा जेल है, विच मेक्स मी रियली हैप्पी बिकॉज 93 इज अ गुड परसेंटेज एंड दैट्स व्हाई आई वाज सरप्राइज्ड कि इसमें इतने सारे सॉल्वेंट्स हैं और एलो इतना कम है, तो ये इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करता है, क्योंकि मैंने इसको बालों पर भी लगाया, स्किन पर भी लगाया, बॉडी स्किन पर भी लगाया है, कट्स पे, बर्न्स पे, और ये बहुत ही ब्यूटिफुली परफॉर्म करता है। तो मैं हमेशा सरप्राइज थी कि वट इज इट इन दिस वन दैट इज वर्किंग आउट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन सब्सक्राइबर ने मेरी और बाकी लोगों की भी हेल्प की ये जानकारी हमारे साथ शेयर करके, तो मैं वो स्क्रीनशॉट डेफिनेटली इस वीडियो के स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप भी उसको देख सकते हैं। सो इन अ नटशेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर टू बाय अ गुड एलोवेरा जेल फॉर योर स्किन देन गो फॉर दिस वन, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। Product number 5 is yet another sunscreen. This is by the brand UV Docs. This is UV Docs Silicone Sunscreen Gel SPF 50 PA++. This is such a beautiful sunscreen. First of all, I really have to appreciate the texture of it. ये skin पे काफ़ी अच्छे से होके आता है। इसका जो texture है बहुत ही ज़्यादा velvety soft है और बहुत ही smooth है और इसको लगाने के बाद चेहरा बिल्कुल dull नहीं दिखता, बहुत vibrant दिखता है। Also, इसकी performance काफ़ी अच्छी है। इसमें plenty of really good chemical as well as physical blockers have been used. तो ये आपको UV A और B दोनों से बहुत अच्छी खासी protection देते हैं बहुत देर के लिए। साथ में इसमें बहुत सारे antioxidants भी है और उसके अलावा अगर आपकी स्किन एक्सेस सीबम प्रोड्यूस करती है तो उसको भी ये कंट्रोल में रखता है। तो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे आपके ब्रेकआउट्स के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं और साथ में इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से इसमें कैपेसिटी है फ्री रेडिकल डैमेज को फाइट करने की भी, तो ये स्किन पे रिपेयर का काम भी बहुत अच्छे से करती है। इसलिए सनस्क्रीन्स में दिस इज अनदर ऑप्शन दैट आई वुड लाइक टू रेकमेंड टू यू गाइस। Sixth product that we have with us is by the brand Earth Rhythm. This is their Phytoceramide Moisturizer. This is also a very very good option for those of you जो ceramide based moisturizers में invest करना चाहते हैं। काफ़ी affordable है, effective है, quantity भी काफ़ी generous है, बहुत लंबे दिनों के लिए ये चलता है आपको। इसमें 6 different तरह के ceramides हैं जो कि list के हिसाब से सबसे last में list किए हुए हैं, but still they are there. Also इसमें 1.5% hyaluronic भी है जो कि hyaluronic acid से ज़्यादा effective होता है when it comes to its moisture retaining capacity.
capacity. Now this one is also very beautifully formulated. It is supposed to suit oily and acne prone skin type people also, sensitive skin type people also. Personally मुझे इसका texture, finishing, result, everything काफ़ी पसंद भी है, तो मैं इसे 100% recommend करूँगी. Product number 7 is a body care product. This is by the brand Aveeno. Its full name is Aveeno Active Naturals Daily Moisturizing Lotion. This is a fragrance free one. It is very well suited for those having extra sensitive and extra dry skin. Isme oatmeal extracts hain aur isme bahut sare alag alag tarah ke emollients bhi hain. To agar aapki skin bahut zyada dry hai ya fir winters ke time pe aap baki lotions se satisfied nahi rehte hain, to ye aapko kai ghante tak ka hydration deta hai aur ye maine khud experience kara hai. Also kyunki ye fragrance free hai और ये इस तरह से फॉर्मुलेटेड है कि अगर जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती है ना, उनको भी ये सूट करता है, क्योंकि मेरी बॉडी स्किन सेंसिटिव है. अगर मैंने कोई बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस का सोप लगा लिया या ऐसा मैंने कुछ किया, तो फिर मेरी बॉडी पर इचिंग होने लगती है, रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं. उस टाइम पर मैंने इसको खरीदा था, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक उतना भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. और मैं तो बहुत ज्यादा, मुझे आदत है पूरी बॉडी पर अच्छे तरह से लगाने की, दिन में 2-3 बार आराम से. तो आप इसे ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होगा हर किसी के लिए, लेकिन आप इसको थोड़ा स्मार्टनेस से यूज़ कर सकते हैं. मैं कभी कभी क्या करती हूँ, ये लेके इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिक्स कर लेती हूँ, या फिर आलमंड ऑयल मिक्स कर लेती हूँ, या मेरे पास कोई और बॉडी ऑयल या फेस ऑयल पड़ा होता है थोड़ा सा उसको मिला के मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, या अपने रेगुलर लोशन में मिला के यूज़ कर सकते हैं, हाउ एवर इट वर्क्स फॉर यू. बट ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट दिस इज़ अ वेरी 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 गुड ऑप्शन फॉर द पीपल हैविंग एक्स्ट्रा ड्राई स्किन. Product number 8 is actually a hair care product. This is by the brand Biolage. This is their deep treatment hair pack. इसमें 3 variants आते हैं. एक pink वाला भी है जो colored hair के लिए होता है, वो currently मेरे washroom में रखा हुआ है. वो मेरा most favorite है out of all these 3. अगर आपके बाल colored हैं, और आप सब जानते होंगे color कराने के कुछ washes के बाद धीरे 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 बालों का luster घटता रहता है, तो वो वाला आपको definitely उसमें help करेगा. तीनों variants अलग purpose के लिए, जैसे कि green वाला dry hair के लिए है, और ये जो येलो वाला है ये frizzy hair के लिए. तो depending on आपके हेयर की क्या नीड है, आप इसको खरीद सकते हैं. ये भी काफी सस्ता आता है, आई थिंक ये 350 का एक आता है, और एटलीस्ट ये 4 बार तो चलता ही है अगर आपकी मेरी हेयर लेंथ है तो, यानी 1 महीने अगर आप हर हफ्ते यूज कर रहे हैं तो 1-1.5 महीने आपको इजीली चल जाएगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी चल जाए. ये सबसे ज्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है. एक तो रिजल्ट तो इसके डेफिनेटली हैं ही अच्छे, और आपको पहली बार से विजिबल डिफरेंस दिखता है. प्लस ऑल्सो इसको लगाना काफी ज्यादा कन्वीनियंट और क्विक है, क्योंकि जैसे ही आप शावर में हैं, आप इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग योर कंडीशनर, व्हाट यू कैन डू इज बाल धोने के बाद जैसे ही बाल आपके थोड़े गीले हैं, उसी टाइम पे इसको लगा के आपको सिर्फ 3 मिनट के लिए छोड़ना होता है. 3 मिनट के लिए बस छोड़ना होता है, लेकिन जब आप बाद में वॉश करके निकलोगे ना, आप बालों को छुएगे तो वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपने एक स्पा वाली जो क्रीम होती है उसे आधा घंटा या 40 मिनट रखा होता है, उसके बाद की जो फिनिशिंग और फील होती है ना, आप बालों को टच करेंगे आपको एग्जैक्टली वैसी ही फील आएगी. एंड इसकी पैकेजिंग भी कोई डब्बे वब्बे में नहीं है, तो इसको लगाना डायरेक्टली ट्यूब फॉर्म में बहुत कन्वीनियंट भी हो जाता है. तो पर्सनली मुझे ये काफी पसंद है, मैंने मेरे फैमिली में भी बहुत लोगों को रेकमेंड करा है. सो आई थिंक अगर आपके बाल भी रफ हैं, ड्राई है, डैमेज्ड हैं, तो आप डेफिनेटली वन ऑफ दीज वेरिएंट्स को यू कैन गिव अ शॉट. Product number 9 is by the brand Deconstruct. This is their brightening serum. This comes with 10% niacinamide and 0.3% alpha arbutin. अगर आपकी स्किन पे ब्लेमिशेज हैं या किसी तरह की पिगमेंटेशन है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा. और अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं भी है लेकिन आप ओवरऑल अपने जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको थोड़ा सा वाइब्रेंट करना चाहते हैं तो भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. अब इसमें इतने एक्टिव होने के बावजूद ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है और स्किन को इरिटेट नहीं करता है. मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इम्यूलियंट्स भी यूज़ करे हैं, तो ये स्किन को काफी हद तक नरिश भी करता है, बिल्कुल उसको ड्राई नहीं करता है. तो अगर आपकी स्किन पे मेलास्मा या पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी आप ये वाले सेरम को एक बार डेफिनेटली ट्राई करें. Product number 10 is one of my most favorite and loved products out of all these that I am even mentioned. Like this is best of the best. This I tried last year. I'm really thankful that I did. और ये tube मेरी खत्म होने वाली है तो मैं जल्दी ही दूसरी भी मंगाने वाली हूँ. This is by the brand Formula RX. You guys can see मैंने tube को कितना सा कर दिया है. This is their barrier relief cream. This is such a beauty of a moisturizer. Especially अगर आपकी जो age है वो late 20s या early 30s में है, तो मैं हमेशा recommend करती हूँ आपको एक अच्छी बैरियर रिलीफ क्रीम जरूर यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए. क्योंकि जिस स्किन का बैरियर डिस्टर्बड होता है उस पर आप कितने भी मर्जी अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लो वो कोई असर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. ऐसे में ये क्रीम एक अच्छा ऑप्शन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छी है, बट ऑल्सो इसलिए कि कई लोग जिनकी स्किन एक्ने प्रोन होती है, सेंसिटिव होती है, कॉम्बिनेशन होती है, या फिर जिनको बहुत पसीना आता है, तो वो कई बार
सोचते हैं कि ये जो सेरामाइड बेस्ड क्रीम होती हैं बहुत थिक होती हैं, हैवी होती हैं, तो लगाने से ही उनको कतराते हैं, बट इसका जो फील है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टू वेयर है, बहुत लाइट वेट है. स्टिल ये जब एब्जॉर्ब हो जाएगी कई घंटों के लिए आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेनली इसमें जो तीन की कंपोनेंट्स हैं, आप सब जानते होंगे कि हमारे जो स्किन का बैरियर होता है उसके लिए हमें तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड सेरामाइड्स. ये तीनों ही इस क्रीम में मौजूद हैं, तो जब आप इसे यूज़ करें हैं, इसके अलावा आपको कुछ और भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ इसी से ही आपकी स्किन का बैरियर पूरा रिपेयर भी हो जाएगा और आने वाले सालों के लिए उसकी वही क्वालिटी, वही सपलनेस मेंटेन भी रहेगी. तो आई थिंक अगर आप अपने लिए एक अच्छी सी बैरियर रिलीफ क्रीम चूज़ करना चाहते हैं, जो आपको करनी भी चाहिए अगर आप लेट 20s या अर्ली 30s में हैं, देन जस्ट गो फॉर इट. प्रोडक्ट नंबर 11 ऑन आर लिस्ट टुडे इज अगेन बाय द ब्रांड डी कंस्ट्रक्ट. दिस इज देयर रेटिनॉल पेप्टाइड सेरम. दिस इज सच अ लवली सेरम. नाउ रेटिनॉल सुन के आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, हमें नहीं लेना है क्योंकि हमारी एज अभी उतनी नहीं हुई है. अगर आप 30 प्लस हैं तो आपको इसको यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन इवन अगर आप अपने 20s में भी हैं, मिड 20s में भी हैं, तो भी आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसका इकलौता पर्पज सिर्फ एंटी एजिंग बेनिफिट्स आपको देना नहीं है. इसमें 0.2% रेटिनॉल के साथ साथ 1% पेप्टाइड भी है, यानी यह आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स तो देगा ही, मेक श्योर करेगा कि अभी से आपकी स्किन जो है आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर हो रही है, बट एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन को और ज्यादा फर्म और यूथफुल लुकिंग बनाने में भी हेल्प करता है और बहुत जेंटल है स्किन पे. जो लोग भी बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रहे हैं रेटिनॉल के साथ और उनको डर लगता है, उनके लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत जेंटल ऑप्शन है. सो आपको डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए. All right, now product number 12 that I have with me is a boon for all those of you who have acne ka problem constantly 365 days a year. This is by the brand Dermaco. This is their AHA BHA gel. This is used for active acne like a spot treatment. तो अगर आपको कहीं पे भी acne आया, pimple आया, तो आपने तभी के तभी इसको लगा लिया तो अगले 2-3 दिनों के अंदर वो पूरा suppress हो जाएगा. ये उसको completely dry कर देता है लेकिन आपकी rest of the skin को बिल्कुल irritate नहीं करता है. इसमें 2% salicylic acid है, 1% ग्लाइकोलिक एसिड है और थोड़ा सा नाइसिनमाइड भी है, विच मीन्स कि ये आपके एक्ने पिंपल को ड्राई आउट तो करेगा ही, साथ साथ उसके धीरे धीरे उसके लाइटन अप होने में भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है. हाउएवर दिस इज नॉट टू बी यूज फॉर दैट पर्पज, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पोटेंट है, तो मैं कहूंगी जैसे ही आपने एक्ने पे रखा, आपको लगने लगा कि मेरा एक्ने फ्लैटन हो गया है, स्टॉप यूजिंग इट. उसके बाद यू डोंट हैव टू यूज इट. इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू जस्ट स्पॉट ट्रीट दैट एंड जस्ट ड्राई इट आउट, बट दिस इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव. मैं डे टू डे बेसिस पे इसको यूज करती हूँ, जैसे मुझे कुछ आता है मैं फटाफट लगा लेती हूँ, 2 दिन में वो कंप्लीटली सप्रेस हो जाता है. तो आई थिंक एक्ने पिंपल्स वालों के पास ये होना ही होना चाहिए. The next product that I have with me is again a hair care product. This is a hair serum by the brand L'Oreal. Its name is L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum. This is such a beautiful serum. You guys can see इसमें इतना सा ही अभी बाकी है क्योंकि इतना सारा मैं यूज़ कर चुकी हूँ. मुझे बहुत पसंद है. सबसे पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल भी स्टिकी और ग्रीजी नहीं है. सिर्फ मैं 2-3 ड्रॉप्स लेती हूँ हार्डली, और उतना मेरी हेयर लेंथ के लिए सफिशियंट होता है. दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी रेयर सेरम्स जो बालों पर बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते. और एक तो आप इसको मल्टी पर्पज यूज कर सकते हो. आप इसको एक ओवरनाइट ट्रीटमेंट की तरह लगा के छोड़ भी सकते हो. आप इसको स्टाइलिंग भी करना है बालों को, या कोई हीट प्रोडक्ट्स यूज करना है उससे पहले भी लगा सकते हो. आप इसको प्री शैम्पू भी लगा सकते हो. आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो और बालों पे बिल्कुल हैवी और स्टिकी फील नहीं करता. इनफैक्ट अगर आपके बाल ड्राई और रफ दिखते हैं तो उनको थोड़ा सा स्मूथ लुकिंग बनाने में, थोड़ा सा शाइनी लुकिंग बनाने में बहुत हेल्प करता है. इसमें 6 रेयर टाइप ऑफ फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट हैं. इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि इसकी सिर्फ एप्लीकेशन अच्छी नहीं है पर ऑल्सो इसका फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छा है, तो आपके बालों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा. तो आई थिंक अगर आप हेयर सेरम्स यूज नहीं करते शैम्पू के बाद, बहुत खराब आदत है, इसलिए आपको यूज करना स्टार्ट करना चाहिए, एंड नथिंग बेटर देन दिस ऑप्शन टू स्टार्ट विद. प्रोडक्ट नंबर 14 इज अ लिप बाम. दिस इज बाय द ब्रांड वर्थ इंडिया. ये काफ़ी यूनिक ब्रांड है. मैंने भी पहली बार इसके बारे में तभी सुना था जब मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ था. आई थिंक समबडी गिफ्टेड मी दिस एंड देन आई ट्राइड यूजिंग इट एंड आई फेल इन लव विद दिस. एक तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा जेनरस है. ये आपको 25 ml का पूरा टब मिलता है इन जस्ट 200 rupees, और इसकी फिनिशिंग ऐसी है कि सिंगल एप्लीकेशन में ही ये आपके पूरे लिप्स को कोट कर देता है और काफ़ी देर तक उनको हाइड्रेटेड रखता है. तो इसे अगर आप लगातार भी यूज़ करेंगे तो ये 6-7 महीने से पहले खत्म नहीं होने वाला. दिस इज यूनिसेक्स और बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई टेंट नहीं है. मेरे हस्बैंड भी इसी को यूज करते हैं. दूसरी अच्छी बात इसकी सबसे ज्यादा क्या है कि इसमें कोई भी नॉनसेंस इंग्रेडिएंट्स नहीं है. इसके सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक है. हार्डली 5-6 थिंग्स इट हैज
फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑर्गेनिक बीज वैक्स के अलावा कोकुम बटर, अशे बटर, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड हेम्प ऑयल और वेनिला ऑयल, सिर्फ इतना ही है इसमें एंड दैट इज इट. सो इट हैज़ गॉट नो नॉनसेंस इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी वेल सूटेड फॉर स्पेशली इंडियन लिप्स. तो अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड भी हैं या फिर रात में आप जब अपना इवनिंग स्किन केयर रूटीन करते हैं, जब आप सीधे बेड पे जाते हैं और आप चाहते हैं सिर्फ आपके लिप्स को आप हाइड्रेट करना चाहते हैं, उनको कोई टिंट वगैरह आपने नहीं लगाना है, तो इन दैट केस आपको ये लिप बाम काफ़ी पसंद आएगा. Coming to the last product of the day, this is by the brand Daughter Earth. This is their lip and cheek tint. This is in the shade Coral Nude. This is such a beautiful tint, I tell you guys. एक तो ये multi-purpose है, आप इसको आई शेडो की तरह भी लगा सकते हैं, cheeks पे भी लगा सकते हैं और lips पे तो of course लगा ही सकते हैं. Now आप इसको affordable तो नहीं बोल सकते हैं, slightly towards the expensive side है, 975 rupees का आता है, लेकिन इसकी quantity इतनी है कि आपको काफ़ी लंबे दिनों के लिए चल जाएगी and it is totally worth it. Specially for the reason कि इसकी जो ultimate finish आती है ना, वो हमारी इंडियन के जो पिगमेंटेड लिप्स होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से सूट करती है. लाइक हम में से कई ऐसे लोग होते हैं, एटलीस्ट मैं हूं, कई बार हम अपने लिप्स पे हमेशा कॉन्स्टेंटली लिपस्टिक तो नहीं लगाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम इतने कॉन्फिडेंट भी होते नहीं है कि बेयर लिप्स लेके हम कहीं भी ऐसे चले जाएं. तो ऐसे में अगर आप एक मिडवे ढूंढ रहे हैं कि हल्का सा एक कोरल सा टच अपने लिप्स पे जो कि नेचुरल लगे, न्यूड कोरल सा लगे, तो इंडियन पिगमेंटेड लिप्स के हिसाब से ये शेड काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया. इनफैक्ट इस टाइम पे मैंने यही वेयर कर रखा है. दिस इज़ नॉट अ लिपस्टिक, दिस इज़ अ टिंट. हाउ एवर ऑब्वियसली वीडियो के पर्पज से मैंने 3-4 कोट लगाए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा डार्क है, लेकिन अगर आप जब मैं इसको डेली बेसिस पे लगाती हूँ, मैं सिर्फ इसका सिंगल कोट ही लगाती हूँ, सो देखने वाले को एक्चुअली पता नहीं चलता कि मैंने टिंट लगाया हुआ है. इट जस्ट लुक्स लाइक नेचुरली वो फ्लश ऑफ कलर आ रहा है आपके लिप्स पे से, लेकिन वो देखने वाले को ऐसा इंप्रेशन दे देता है, बट यू नो दैट इट्स द टिंट. सो आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज दिस इज अ वेरी गुड टिंट इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा. तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लिपस्टिक का पर्पज भी सर्व कर देगा. इसमें विटामिन ई भी है, तो ये लिप्स को ड्राई नहीं करता, बहुत नरिश करता है और 100% वीगन प्रोडक्ट है. सो बाय ऑल मीन्स जस्ट गो फॉर इट. Alright guys, so with that long list, we have finally come to the end of this video. I really hope that you found this video useful. If you did, then please give me a big fat thumbs up. And if you're new here, then please consider subscribing to my channel for more such videos. Main aapse milungi bahut jaldi apne next video mein. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.